अस्सलाम वालेकुम, मैं वली मुराद, एक बर्ड गैलेक्सी ऑफिशियल। आज मैं आया हूँ अपनी ओपन एवरी की तरफ, क्योंकि बड़े दिन हो गए थे मैंने यहाँ चक्कर नहीं लगाया था, जहाँ पे हमने अपनी फिंचेस वगैरह छोड़ी हुई हैं। पहले यहाँ लव बर्ड हमने छोड़े थे स्टार्ट में, अगर मैंने आपको आपने देखा हमारी वीडियो को, तो लव बर्ड हमने हटा दिए थे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो जाती है, धूप डायरेक्ट इनको लग रही होती है, तो हमने यहाँ पर फिंचेस छोड़ दी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिंचेस जो है वो गर्मियों के मौसम में जो है वो कोई भी एक्सपायर नहीं हुई, और जब ला के छोड़ी थी हमने तो ये कोई मेरे ख़्याल से 20-22 थी, और अब जो हैं वो कम से कम नियर टू 50 पहुंच चुकी हैं। आइए आपको भी दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन सी जावा पड़ी हुई हैं, जावा भी दिखाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे बाहर, और बाहर जो जो काम हमने करने हैं वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि यार जो जवाब साहब हैं हमारे वो कहाँ पर बनाना चाह रहे हैं अपना चिकन हाउस और डक का हाउस जो है वो कहाँ का बनाना चाह रहे हैं। तो पहले मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि हमारे पास फिंचेस कितनी हो गई हैं और कौन कौन सी किस्म की हैं। अच्छे व्यूज़, ये देखें हमारे पास जावा पड़ी हुई हैं बहुत सी किस्म की, सारी बात है मैं आगे जाऊँगा तो ये उड़ जाएंगी। यहाँ पर भी पड़ी हुई हैं कुछ, ठीक है, और यहाँ पर भी हैं। अब ये जो हैं इसमें वाइट भी हैं, ग्रे भी हैं, सिल्वर भी हैं, इनके घर लगे हुए हैं। अब ब्रीडिंग कौन कौन कैसे कैसे कर रहा है ये तो मुझे अभी कोई भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हमने ओपनली लगा रखी हुई थी। अब क्या करना है कि मैंने कुछ अरसे बाद इनको क्या करना है कि केजेस के अंदर शिफ्ट कर देना है। जब केजेस में शिफ्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी ब्रीड सही से कर रही है। तो उसके लिए अभी एक डेढ़ महीना है, डेढ़ महीने बाद इनको जो हम केजेस में शिफ्ट करेंगे। आइए आपको बाहर का दिखाते हैं कि बाहर जवाब साहब ने क्या सोचा है कि चिकन हाउस वगैरह किस साइड पर बनना है। अच्छा, छत की हालत जो है वो बहुत ही ख़राब हुई है, क्योंकि जगह जगह पौधे वगैरह फैले हुए हैं, सफाई का काम काफ़ी रहता है, अभी सफाई भी करनी पड़ेगी, जैसा कि मेहरान लगा हुआ है सफाई करने में, और शुरू हो गया। हाँ जी जवाब साहब, क्या हिसाब किताब है, कहाँ बनाना है? यार ये जगह ठीक है जी। कौन सी वाली? वो वाली उसके साथ ही किसी तरह इसको एडजस्ट करते हैं। वो सामने वाली जगह, ठीक है, लेकिन वहाँ पे धूप प्रॉब्लम ये है कि यहाँ परनाला भी है। हाँ, और दूसरा ये कि पक्की जगह है, यहाँ स्मेल करेगी, हमें कच्ची जगह चाहिए। ठीक हो गया, मुश्किल ये वो कच्ची जगह वो ठीक रहेगी। मेहरान का भी यही इरादा है? हाँ इरादा तो हाँ वही जगह ठीक है, सही है, जगह भी कच्ची है ना, और जब धूप निकलते हैं तो सुबह के टाइम पे उधर दीवारें तो डायरेक्ट नहीं पड़ते उन पे धूप, सही है। तो बस फिर सफाई करना है पहले तो? हाँ पहले जगह को क्लियर करना है। सही हो गया, लेकिन गंद तो बहुत फैला हुआ है पौधों का, इंशाल्लाह हो जाएगा साफ कर देंगे जी। जवाब साहब किधर पहुंचे? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत निकालो मत निकालो, रुक जाओ भाई रुक जाओ। सारे निकाल लेते हैं ना यार। जवाब साहब मसला ये है ना कि यहाँ पे डायरेक्ट धूप भी लगती है, ठीक है, और ये साथ में हमारे पास है फिंचेस जावा, मुर्गियों में आती है बीमारी, और उनमें बीमारी आएगी तो फिर इनको भी लग जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ मसला हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जगह चेंज करते हैं, इस जगह पर नहीं बनाते। क्या कहते हैं आप? तो फिर कौन सी जगह ठीक रहेगी इसके लिए? यार मैं तो कहता हूँ वापस उस जगह पे चले जाते हैं, वो कॉर्नर की जगह भी ठीक है, और उधर छाँव भी ज़्यादा है, ठीक है, और जो है वो पानी का निकास वगैरह भी वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। मसला नहीं, हमें कच्ची ज़मीन चाहिए थी, उधर ही वो मिट्टी वगैरह डाल देंगे, वो भी कच्ची हो जाएगी। क्या कहते हैं? उधर ही वो काम स्टार्ट कर देते हैं। चलो चलो, वो जगह सफाई में भी थोड़ी आसानी है, क्योंकि यहाँ तो मिट्टी उठानी पड़ेगी, वहाँ पर डालना आसान है। बिल्कुल वही ठीक है। चलो मैं तो कहता हूँ दो चार बंदों को और बुला लेते हैं, सफाई जल्दी हो जाएगी। नीचे बैठे हुए दो बंदे हमारे पास, क्या ख्याल है? हाँ कर देते हैं। दोनों बंदे आ गए हैं, ये भी अब उठाएंगे। गमले उठाओ, साइड पे करो जल्दी जल्दी। उधर लाइन पे लगाने, उधर लाइन पे ले दे जो। आराम से देख के कंटे भी है। यार ये तो मेरे साथ होगी, ये देख। वो पीछे वाला उठा ले, वो स्टील वाला। नहीं नीचे से, नीचे से, नीचे से, नीचे से, नीचे से, नीचे से, बिल्कुल इसके एंड से। और इधर रखो, इधर उधर जाने ब्लॉक हो है ना, इस लाइन में रखो इधर। ओए ओए ओए, कीड़े कितने निकले हैं, रखो
ओह माय गॉड आगे जा आगे कैमरे के सामने आओ मेरे ख्याल से मैं इनका घर था। हाँ ये मिट्टी झाड़ी है ना, ये इन्होंने बनाया है। घोड़े यार ये तो बहुत सारे हैं। चलो इसको थोड़ा इधर उधर जाने देते हैं। फार्मिंग होती है। हाँ बिल्कुल भी कर लो। अगला फार्म इनका ही बनाएंगे। इधर इधर इसको हिलाएंगे थोड़ा। ये क्या किया है तुमने? उनका घर खोल दिया। ओए होए 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 तुमने उठा के क्या किया? ओए वो देखो उनके बच्चे भी हैं। अंडे भी हैं। अंडे पड़े हुए हैं। अंडे कहाँ हैं? अंडे हैं ना, सारे अंडे हैं, तभी तो उसके अंदर पड़े हुए हैं। ओ हो हो हो, तुम्हारी खैर नहीं है बेटा। यार इधर इतने बहुत सारे किधर से आ गए? सफाई तो करें ना। अच्छा ये मिट्टी जो है ठंडी होती है ना मेरे ख्याल से। जवाब साहब लगे हैं सफाई करने में। ये भी उठा लेते। चलो जी कितना बड़ा बना रहे हैं जवाब साहब? ये यहाँ तक इसका बॉर्डर लगाते हैं ना तो फिर पता लगेगा कि कितने किलो स्क्वायर मीटर। इसके साथ रखो एक और, इसके साथ रखो जरा। दीवार की चीज में ले आए ना याद है। बहुत बड़ा है छोटा। ये बहुत बड़ा नहीं है वैसे। बड़ा हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा छोटा करो। दो फुट छोटा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और कर और कर, पिलर से थोड़ा सा आगे करना, ये बहुत बड़ा है अभी भी। यहाँ पे, यहाँ पे, फिर अगर अगर लंबाई इतनी हो ना तो फिर इतना इधर तक सही है। यूँ नहीं नहीं, मुर्गियाँ को ज़रा उसके अंदर शेड भी तो रखना है ना। वो शेड इतना बड़ा है बस, इतना बहुत है। वो हेलीकॉप्टर भी हमें देख रहे हैं। इतना लंबा इनफ है। इंक्वायरी के लिए हेलीकॉप्टर भी आ गया। ठीक है दरवाज़ा कहाँ पे है? ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये दरवाज़ा है। ठीक है काफ़ी है, कल से इस फ्रेम के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है अच्छा सो व्यूअर्स, ये था आज का प्लान कि हमने जो चिकन हाउस बनाना था उसका स्ट्रक्चर जो है हमने बता लिया कि कितना साइज़ होना चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए, वो आज कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल जब हम इसके अंदर काम करेंगे तो वीडियो बनाएंगे साथ साथ कि क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, और फिर जब जिस दिन हम चिकन वगैरह लेने जाएंगे उस दिन की भी वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं सबसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।